भंडारा आपको 12:30 बजे से लगातार चला, हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और अभी का भीड़ देखते हुए हमें लग रहा है कि ये आपको 10-11 बजे तक श्रद्धालु आते रहेंगे, प्रसाद उनको मिलता रहेगा यहाँ पर बाबा का। और हर साल की बात ही, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 24वां स्थापना दिवस है बाबा का, अरे और साल के इस साल बहुत से ज़्यादा श्रद्धालु लोग यहाँ पर आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये जो सामग्री बन रही है उनके किनके द्वारा लाया जाता है सर? ये सामग्री हम साईं भक्तों द्वारा दिया जाता है, जो भी होता है। अगर बाई जी ऐसा आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, साईं भक्तों द्वारा बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ पूर्ण होता है और बाबा के आशीर्वाद से ये उनका स्थापना दिवस पूरा बहुत भारी मतों की संख्या से सफलता और सफल हो जाती है। सबसे पहले ये जो भंडारा आप देख रहे हैं, शिरडी में बाबा भिक्षा मांग के लाते थे और हजारों की संख्या में अपने हाथ से कूड़ा बनाकर सबको खिलाते थे। वो ये जात पात किसी को नहीं देते थे, लेकिन सबको एक स्वागत खिलाते थे। ये सबसे बड़ा प्रेम था। आज इसी का देन है कि जहाँ जहाँ शाही मंदिर बना हुआ है बाबा का परम पुरुष चल रहा है और लाखों में भीड़ आंदा बहुत। कितने दिन से सेवा कर रहे हैं मंदिर में? अब मेरा हो गया करीब 20 साल से सेवा कर रहे हैं, साई सेवा दल के अध्यक्ष हैं। और बाबा का सबसे बड़ा कथन है, जो शिरडी में आएगा वो सीतापट नहीं जाएगा। ये भी कथन आज पूरे बिहार में है, जहाँ जहाँ मंदिर है बाबा का कोई भी भूखा नहीं जाता। धन्यवाद। स्थापना दिवस समारोह 3 दिनों का ये कार्यक्रम है स्थापना काल से। पहले दिन बाबा का नगर भ्रमण होता है शोभा यात्रा के स्वरूप में। दूसरे दिन आज आप भंडारा देख रहे हैं, जिस आज सुबह में बाबा का विशेष पूजन और श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद मंदिर परिसर में भी और SBD पार्क दोनों जगहों पर भक्तों के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। और अनुमानित तौर पर इसमें 30 से 35 हज़ार लोग शामिल होंगे और तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है और लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, लोग में उत्साह है और अनुशासित तरीके से लोग आप देखिएगा कि क्यू में लगे हुए हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है। और कल समापन जो बाबा के समापन के अवसर पर कल भजन संध्या होगा और साईं मंदिर न्यास समिति के तरफ से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया है, साईं अखंड धुन, ये त्रैमासिक पत्रिका है और उसका कल विमोचन होगा। चलिए, सुनने में आता है कि जो यह अन्न होता है ये भक्तों के द्वारा ही दान किया जाता है, जो सारा का सारा तैयारी जो है भक्तों के तरफ से तैयारी है। न्यास की भूमिका बस यही है कि भक्तों और भगवान के बीच हम लोग सेतु हैं, व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बाबा का कृपा और भक्तों का सहयोग उसी से ये संपन्न होता है। इसमें बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी, इसमें 100 ग्राम तेल देने वाले से लेके 3 देने वाले तक भक्त है, हर तरह के भक्त का सहयोग है। एक रिक्शा वाला जो है वो भी अपने हिसाब से 1 किलो आटा, 1 किलो रिफाइन और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी स्थिति अच्छी है उनका बड़ा सहयोग होता है, लेकिन सहयोग सबका है। ठीक है सर।